हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो BSTC 2021 का एग्ज़ाम जो है होने जा रहा है, उसके जल्दी जो इसके फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे या फिर जो इसके एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी आने वाली है। ऐसे में जो है काफ़ी स्टूडेंट को डाउट है कि सर इस बार जो है कोविड के कारण ना ही तो कोचिंग क्लासेज है पिछली बार की तरह, और जो है हम कौन सी बेस्ट बुक पढ़ें। जैसे कि बुक जो है BSTC की, आप सभी को पता है कि काफ़ी बुक है BSTC की। मैं यहाँ पर अगर आपको कंप्लीट बुक बताऊँ तो कम से कम जो है 15 से 20 बुक है टोटल। लेकिन जो है सभी जो है, मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी अच्छी है। देखिए आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो है बेस्ट बुक के बारे में जो है आपको सजेशन करूँगा, कौन सी बुक आपको ख़रीदनी चाहिए एंड कौन सी बुक आपके सिलेबस के जो है कंप्लीट, जिसमें सिलेबस आ जाता है, या फिर जो ऐसी बुक होती है BSTC में जो कि जो है ऐसे जो स्टूडेंट है, टॉप स्टूडेंट है, जिन्होंने बताई है कि हाँ हमने इसकी जो है इस बुक से पढ़ा है और हमारे इतने मार्क्स आए हैं, सभी चीज़ें मैं जो यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको जो है BSTC 2021 से संबंधित न्यू अपडेट मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो BSTC 2021 की जो है बुक जो है आप कौन सी खरीदे। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बोल रहे हैं कि सर सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है क्या। सबसे पहले आपका मैं ये डाउट कंप्लीट जो है क्लियर कर देता हूं कि सिलेबस में जो है आपको कोई बदलाव हुआ है फिर नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट सिलेबस में जो है कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, एक बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट में। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि BSTC का एग्ज़ाम देते हैं, वो कहीं तो होते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट, कहीं होते हैं जो है जिनके जो है बायो होता है, कहीं होता है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अनेक जो है जिनके सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे में उनको एक ही चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, वो है राजस्थान GK की। सर राजस्थान GK कितना पढ़े, क्योंकि इसमें जो है कंप्लीट, यहाँ पर मैं अगर चैप्टर की बात करूँ तो इसमें जो है राजस्थान की जियोग्राफी, उसके साथ में जो है कला संस्कृति, उसके बाद में कंप्लीट सिलेबस दिया गया, जितना कि राजस्थान पुलिस में पूछा जाता है उतना सिलेबस होता है। हर एक एग्ज़ाम में जो कि फाइट होता है राजस्थान GK, उतना सिलेबस उस जो है BSTC में डाला हुआ है। तो सर हमें कितना पढ़े, हम तो एक जो है BSTC यानी एक टीचिंग के जो है प्री एग्ज़ाम दे रहे, तो इसमें जो है कितना पढ़ना होता है। हाँ स्टूडेंट आपकी बात सही है, आपको जो है उतना नहीं पढ़ना होता है, लेकिन अगर सिलेबस दिया गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसी बुक मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में जिसके माध्यम से जो है आप आसानी से पढ़ सकते हो, एंड कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि वही बुक बाय करते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि राजस्थान GK को आपको कितना पढ़ना है। स्टूडेंट सिलेबस का ये मतलब नहीं होता है कि कंप्लीट सिलेबस दिया गया है तो आपको उसमें जो है वह उतना ही आपको याद रखना है। स्टूडेंट जैसे कि जो है RAS का एग्ज़ाम भी होता है, उसी में राजस्थान GK होता है, एंड जो हमारा BSTC का एग्ज़ाम है उसी में भी राजस्थान GK होता है। तो सवाल जो है, जो हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो उनका जो है टाइपिंग रहेगा, वो BSTC एग्ज़ाम में जो है एकदम जो है, मतलब मैं ये कहूँगा कि एकदम लेवल जो है उनका इजी रहेगा BSTC में, एंड RAS में जो है वही राजस्थान GK में जो क्वेश्चंस आएंगे वो डीपली क्वेश्चंस आएंगे। तो BSTC में जो क्वेश्चंस है आप प्रैक्टिस उठा, जो प्रैक्टिस सेट है उनको मिलाना। प्रैक्टिस सेट में स्टूडेंट आपको मिलेगा कि BSTC 2021 में राजस्थान में जो राजस्थान GK में से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपको एकदम ईजी क्वेश्चन होते हैं, जो कि ऐसे हम मान लो कि जो एग्ज़ाम होते हैं BSTC के, उन्हीं में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उतना डीपली नहीं पूछा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स दोनों ही जो है उतनी जो इसमें डीपली नहीं पूछा जाती, जो आपको सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस में आपको जो है क्वेश्चन मिलता है, एंड एकदम ईजी सा क्वेश्चन आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया दिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, देखिए मैं, मेरा ये कोई मकसद नहीं कि वीडियो बढ़ाओ। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको BSTC की जो है बुक बता देता हूँ। देखिए सबसे जो मतलब ज़्यादातर जो स्टूडेंट बाय करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ लक्ष्य की जो बुक होती है, लक्ष्य की आप बुक जो है बाय कर सकते हो, उसमें जो है कंप्लीट सिलेबस के साथ में आपको जो है समझाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ एक चीज़ और, आपके पास में या फिर आपके आसपास में कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिनको अगर जिनका BSTC 2020 जो है 20 में सिलेक्ट हुए हो, उनकी जो है उनकी चॉइस के आधार पर उनको कॉलेज मिली है, तो अगर उनके नोट्स आपको प्रोवाइड आप करवा लेते हो या फिर उनसे जो है BSTC के नोट्स आपको मिल जाते हैं, तो उनसे भी आपको जो है एक अच्छा बहुत ही बड़ा जो फ़ायदा मिल जाता है। क्योंकि स्टूडेंट सिलेबस में बदलाव इस एग्ज़ाम में नहीं होता है, एक दो चैप्टर वगैरह की मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता, लेकिन जो है सिलेबस में कोई भी बड़ा बदलाव
नहीं होता है तो अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। जैसे कि राजस्थान जीके के यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, राजस्थान जीके के आपको नोट्स मिल जाए तो आप नोट्स से पढ़ सकते हो एंड जो है आप जो है बुक से भी इसे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि सर, जो काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट था कि सर प्रैक्टिस सेट से जो है प्रैक्टिस सेट मिले या फिर नहीं मिले। स्टूडेंट अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं मिलाते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस वहाँ पर जो है पूछे जाते हैं। तो आपको रोज़ाना जब भी आप जो है कुछ भी जो है अपने सिलेबस से कुछ भी पढ़ो ना, उसके प्रैक्टिस सेट से जो है क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किया करो, तभी आपको पता चलेगा कि जो है आपको कितना आता है या फिर आपके कितने मार्क्स आएंगे। आप सभी को पता है कि बीएचटीसी में जो है जिनके भी 400 से प्लस थे ना 2020 में, केवल उन्हीं को ही कॉलेज मिला है, बाकी को कॉलेज नहीं मिला है, वो आपके बीएचटीसी 2021 में शामिल हो जाएंगे। आप सभी को पता है लगभग बीएचटीसी 2020 में 7 लाख स्टूडेंट ने जो इसका फॉर्म अप्लाई किया था एंड सभी ने जो है जो इसका इसमें जो है अपनी भागीदारी नहीं लिए। ऐसे ही स्टूडेंट बहुत कम स्टूडेंट थे जिनको की चॉइस के आधार पर कॉलेज मिल चुके। तो आपको इतना तो पता रखना है कि पढ़ना तो बहुत ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है बिना पढ़े आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। यहाँ पर मैंने जो है आपको बता दी है बुक, वो आप बाय कर सकते हो या फिर नोट्स भी जो है अगर आपको मिल जाते हैं तो सबसे जो है शानदार है कि आप जो उनको नोट्स को भी आसानी से पढ़ सकते हो या फिर जो आप बुक से भी जो है अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको और भी कोई बीएड से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के सहायता से हमसे कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।